टेम्पो में बैठा कर नशीला रूमाल सुखा कर वृद्धा की चेन तथा अंगूठी ले उड़े शातिर। होश में आने पर दी पुलिस को तहरीर। आगरा फतेहाबाद बाईपास रोड पर एक वृद्धा को टेम्पो में बैठा कर शातिरों ने नशीला रूमाल सुंघा दिया तथा उसकी चेन तथा अंगूठी लेकर चंपत हो गए। होश में आने के बाद दूसरे दिन पीड़िता ने इसकी तहरीर थाना फतेहाबाद में दी है। पुलिस शातिरों को तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के ग्राम खेड़ा जवाहर निवासी मुन्नी देवी पत्नी शिवजी सविता सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे आगरा से लौटकर अवंतीबाई चौक पर खड़ी हो गई तथा अपने गांव जाने के लिए टेम्पो को तलाश करने लगी। जब उसे टेम्पो नहीं मिला तो वह पैदल ही चलने लगी। पीछे से एक टेम्पो आया जिसमें से 2 युवक उतरे तथा उसे टेम्पो में बैठाने की जिद करने लगी। मुन्नी देवी ने टेम्पो में बैठने से इनकार कर दिया परंतु युवकों ने उसे बातों में उलझा कर टेम्पो में बैठा लिया। बाद में उसे नशीला रूमाल सुंघा दिया जिसके बाद वह बेसुध हो गई तथा उन्हें बाईपास रोड पर सड़क के किनारे छोड़कर चले गए तथा उनके हाथों में से एक अंगूठी तथा गले में से जंजीर भी ले उड़े। देर रात जब मुन्नी देवी अपने घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसके बाद देर शाम सड़क के किनारे परिजनों को मुन्नी देवी अचेत अवस्था में मिली जहाँ उन्हें घर ले गए और उनका उपचार करवाया। सुबह होश आने पर उन्होंने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना 112 पर पुलिस हेल्पलाइन को दी। उसके बाद मुन्नी देवी ने थाना फतेहाबाद आकर लिखित तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद से XMT न्यूज के लिए संवाददाता सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नाम बता अपना। मुन्नी देवी। क्या घटना हुई आपके साथ? भाई के अंति चौराहे पे तो मैं आ रही तो मंत्री मेरे संग 2 आदमी लग गए। बिल्कुल मैं चली आई। उन्होंने कहीं टेम्पू भेज जा। मैंने नहीं होती चली जाऊँ तो भेज जा। मैं ऐसे कुछ बात ना कुछ भी ना कर रहे भेज जा। तो बिन्ने में बैठा लई हूँ तो ऐसे करके ना कि भेज जा। हम बैठे बैठा रहे ना ही मैं तो चले गए भी छोड़ गए। फिर ना मुझे तो कोई कहा हुआ क्या कर ले गए? एक चेन ले गए, एक अंगूठी ले गए, दो चीज ले गए। टेम्पू कैसा था मालूम है? हीरा से मालूम कर रहा हूँ। कहाँ छोड़ गए थे आपको? क्या पुलिस ने? नहीं पुलिस ने कहा तो गई कर दे आओ कर घर पर पुलिस पहुंची। हां रामाकांत क्या मामला हुआ? मामला ये होता है मम्मी आई थी आगरा से। आगरा से अवंती भाई चौदह पर उतरी थी। ये फिर लाली के घर पे गई थी। घर पे आके फिर ये वहाँ से पहले आई थी अवंती भाई चौदह पे। अवंती भाई चौदह पे से आते हुए इनको कोई टेम्पू वगैरह नहीं मिले थे, भरे हुए थे। उसके आगे आगे चली आई ये। उनके पीछे 2 आदमी रखे थे। पीछे लिया थोड़ी आगे चले गए। उनको जब उनको बैठा लिया है टेम्पू में। अम्मा इसमें बैठ जाओ। फिर इनको थोड़ी देर पीछे 2-4 मिनट बाद वहाँ आगे जाके बाबू उस पर सरस्वती स्कूल पर ये वो बेहोश होके वहाँ डाल गए उनको और चैन और अंगूठी ले गए उनसे। पुलिस शिकायत करिए। पुलिस को शिकायत की कर दी है हमने। वो सूचना पहुँची है घर पर। मैंने उनको सब बता दिए, ट्रेनिंग लिखवा दिए और बता दिया उनको सब कुछ। उनको रात में करीब 7:30-8 बजे की बात है। वो देर से जली थी। मुझे मिली हम मैं आगरा से आया था। जब वो लोग देखने के लिए कि आएंगे क्यों नहीं तो हम मैंने देखे तो बेहस पड़ी था। उनको उठा के ले गया। आपने ढूंढा हुआ जब मिली? हाँ जब मिली है वो तो मैं ढूंढ के ले गया। घर पर फिर डॉक्टर को दिखवाया। फिर उनको सुबह होश आया जब बताया। उन्हें बताया तब उन्हें यहाँ तक।